हेलो दोस्तों, मैं रवि सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कर रहे थे और जिसका हमारा सेवंथ पार्ट्स आज हम कर रहे हैं, जो कि है कंजंक्शन। क्लियर? इसको बड़े ही ध्यान से करेंगे, ये भी अपने आप में अपनी एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है पार्ट्स ऑफ स्पीच में। तो सबसे पहले एज यूजुअल हम इसकी डेफिनेशन करते हैं। क्लियर? डेफिनेशन क्या कहती है? अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट जॉइंस टू और मोर देन टू वर्ड्स, फ्रेजेस, क्लॉजेस और सेंटेंसेस। यानी कि जो कंजंक्शन है, ये क्या काम करता है? दो चीजों को या फिर दो से ज्यादा चीजों को आपस में जोड़ने का काम करता है। और वो दो चीजें कौन किसी हो सकती हैं? या तो वो वर्ड हो सकता है, या फ्रेजेस हो सकती है, क्लॉज या फिर सेंटेंसेस। इनको आपस में जोड़ने का काम करता है ये। क्लियर? कंजंक्शन को हम इस तरह भी समझ सकते हैं। देखो, जैसे जंक्शन देखते ना, रेलवे जंक्शन, तो रेलवे जंक्शन में क्या होता है? जंक्शन में होता है कि वहां दो या दो से ज्यादा जो डायरेक्शन होती हैं वो निकलती हैं और आपस में आके वहां पे मिलती हैं। तो इसलिए सिर्फ उसे ही जंक्शन कहा जाता है जहां दो या दो से ज्यादा डायरेक्शन निकल रही हो या मिलती हूं आपस में, जहां आपस में मिलाती हूं। तो इस तरह से भी आप कंजंक्शन को याद रख सकते हो। कन प्लस जंक्शन, ये मिलके क्या बनता है? कंजंक्शन। ऑलराइट, इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल से भी आप समझ लोगे। जैसे जैक एंड सैम वेंट टू मार्केट। अब या तो वो दो बार कह सकता है कि जैक वेंट टू मार्केट, सैम वेंट टू मार्केट। उसके लिए दो सेंटेंस हमें यूज करने पड़ेंगे, लेकिन सिर्फ एंड लगने की वजह से हम इसको एक ही सेंटेंस में बात को शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से कह सकते हैं। राइट? तो एंड हमारा बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण जो है ना, कंजंक्शन है। क्लियर? सो नेक्स्ट है, वाटर द प्लांट इल्स देल डाई। वाटर द प्लांट, जो पौधे हैं उनको पानी दो, अदरवाइज या वरना वो क्या हो जाएंगे? डाई, यानी कि मुरझा जाएंगे। क्लियर? गिव मी टी और कॉफी, या तो मुझे चाय दो या फिर कॉफी दो। अब एक ही सेंटेंस में ये अपनी पूरी की पूरी बात कह रहा है। अगर और ना होता तो वो अपनी बात कह ना पाता। क्लियर? नेक्स्ट इज, He is honest but lazy. अब but क्या है? परंतु। वो ईमानदार तो है लेकिन क्या है? लेजी है, लिथार्जिक है, आलसी है। क्लियर? यानी कि एक ही अपनी भावना को एक ही सेंटेंस में कहने के लिए हमें कंजंक्शन बहुत ही ज्यादा सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं। इनकी अगर ये कंजंक्शन ना हो तो हमारा एक छोटा सा जो पैराग्राफ भी है वो भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता। तो इसको बहुत ही ज्यादा शॉर्ट, स्वीट और अच्छा लगने के लिए हम किसका यूज करते हैं? कंजंक्शन का। एक और सेंटेंस है इसमें, आई शैल ईदर राइट और रीड दिस बुक। मैं या तो इस बुक को पढ़ूंगा या फिर मैं इसको लिखूंगा। तो इनकी ईदर यहां पे लग गया, लेकिन यहां पे दो कंजंक्शन यूज होते हैं, ये वाले ईदर और। क्लियर? देन मिस्टर रॉय इज इल, देयरफॉर ही हैज नॉट कम। जो मिस्टर रॉय है वो बीमार है, इसलिए। अब देयरफॉर क्या काम कर रहा है यहां पे? इसलिए का, यानी कि जो मिस्टर रॉय है वो बीमार है, इसलिए वो नहीं आ सकते। तो यहां पे देयरफॉर कंजंक्शन का काम करके हमारे सेंटेंस वो एक ही सेंटेंस में पूरे की पूरी सेंस समझाने का काम कर रहा है। तो आई होप कि कंजंक्शन होते क्या है ये आप समझ चुके होंगे। कंजंक्शन जो है वो दो वर्ड्स को, फ्रेजेस को, सेंटेंसेस को या क्लॉजेस को मिलाने का काम करता है। एक चीज उधर से ले आया, एक चीज इधर से ले आया और उनको आपस में लाके मिला देता। मिलाना, मिलाने का काम कौन करता है? कंजंक्शन करते हैं। क्लियर? अब ये कितने प्रकार के होते हैं? देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ कंजंक्शन आर ओवर देयर। फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन इट इज सब ऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन इट इज कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन। आई रिपीट, फर्स्ट इज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, देन सब ऑर्डिनेटिंग एंड देन कोऑर्डिनेटिव। दीज आर डिफरेंट टाइप ऑफ कंजंक्शन। अब जैसे ये एंड है तो ये किस कैटेगरी में आता है इन तीनों में से? और है, देन ईदर और है, ये कौन सी कैटेगरी में आता है? देयर फॉर कौन सी कैटेगरी में आता है? तो ये तीनों अपनी अपनी कैटेगरी में लेते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन करते हैं। तो नेक्स्ट आता है हमारा कोऑर्डिनेटिंग, जो कि हमारा फर्स्ट इसका टाइप है। कोऑर्डिनेटिंग की पहले इसकी हल्की से हम डेफिनेशन कर लेते हैं। दिस सेंटेंस कंटेन्स टू इंडिपेंडेंट स्टेटमेंट और इक्वल रैंक जॉइंस टू सेंटेंसेस, क्लॉजेस और वर्ड। ये कोऑर्डिनेटिंग जो हमारा कंजंक्शन है, ये क्या करता है? जो इक्वल रैंक
या इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं, उन दोनों को आपस में मिलाता है। और जो इक्वल इंपॉर्टेंस रखते हैं ये सेम ही होंगे, यानी कि सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ यानी कि इक्वल रैंक रहेगा, वर्ब का वर्ब के साथ, नाउन या प्रनाउन का नाउन या प्रनाउन के साथ, फ्रेज या फ्रेज के साथ, सेंटेंस का सेंटेंस के साथ, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव के साथ और एडवर्ब का एडवर्ब के साथ ही जो है ना इसको जोड़ेगा, और किसी के साथ नहीं जोड़ेगा। इसके जो है ना ये सात प्रकार के होते हैं, सेवन टाइप्स। सेवन टाइप्स कौन कौन से हैं? फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो। इसको आप फैन बॉय से भी याद रख सकते हो। देयर आर सेवन टाइप्स ऑफ कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस दैट यू कैन रिमेंबर विद द हेल्प ऑफ फैन बॉय, यानी कि इसका फर्स्ट लेटर जो है एफ ए एन बी ओ वाई, सो फैन बॉय से आप इसको याद रख सकते हो। एफ से फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, O से और, Y से yet, S से so, इस तरह से आप इसको याद रख सकते हो। क्लियर? तो इसके कुछ एक एग्जांपल्स हैं, जैसे द फ्रॉग लिव्स इन वाटर एंड ऑन लैंड। अभी क्या कर रहा है, क्या बता रहा है, कह रहा है कि जो फ्रॉग है ना मेंढक है, वो पानी में भी रहते हैं और लैंड यानी कि जमीन पर भी रहते हैं। तो ये फ्रेज मिला रहा है आपस में, किसको मिला रहा है, फ्रेज को फ्रेज के साथ मिला रहा है। कंपैरिजन तो वही ना, फ्रॉग की ही बात कर रहा है, इक्वल इंपॉर्टेंस है। देन दीस डेज आर सो हॉट, सो इट इज जून। अब ये जो है ना बता रहा है, रीजन बता रहा है, सो इट इज जून, ये सेंटेंस को सेंटेंस के साथ मिला रहा है। जैक एंड शैन आर प्लेइंग। अब जैक क्या है, नाउन है, या इसको जो है ना जैक है हमारा प्रॉपर नाउन है, शैन हमारा प्रॉपर नाउन, तो इक्वल इंपॉर्टेंस दोनों रख रहे हैं, तो एंड के साथ इसको वो मिला रहा है। तो जैक एंड शैन आर प्लेइंग। क्लियर? हिज फादर इज पुअर बट ऑनेस्ट। अब पुअर और ऑनेस्ट यहां पे क्या है, एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव को ये एडजेक्टिव के साथ ही मिला रहे हैं, यानी कि एंड बट लगाने का, ऐसा नहीं कि सिर्फ एंड से ही इसको जोड़ा जा सकता है, बट के साथ भी उसने वो एडजेक्टिव को जोड़ दिया। देन शी स्पीक्स लाउडली एंड फ्लुएंटली। अब यहां पे एडवर्ब को जोड़ दिया, क्यों, क्योंकि लाउडली और फ्लुएंटली, मैंने आपको एडवर्ब की क्लास में कराया था कि जहां पे लास्ट में एल वाई आ जाए तो मोस्टली वो क्या होती है, एडवर्ब। जैसे लाउड से बन गया लाउडली, फ्लुएंट से बन गया फ्लुएंटली। तो ये क्या कर रही है, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ ही जोड़ रही है। तो ये हमारा क्या बन गया, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, जो किसकी क्या लगा के जोड़ रहा है, एंड लगा के। क्लियर? देन जैक इज पोलाइट बट हिज फादर इज स्ट्रक्ट। अब यहां पे बट लगा हुआ है, पोलाइट हमारा यहाँ पे क्या है, अगेन एडजेक्टिव, और स्ट्रिक्ट यहाँ पे क्या है, अगेन जो है ना स्ट्रिक्ट। अब ये एक सेंटेंस को भी जोड़ रहा है, देखो यहां तक ये जो है ना कंप्लीट सेंटेंस है, जैक इज पोलाइट, हिज फादर इज स्ट्रिक्ट। अब ये दो सेंटेंस हैं देखा जाए तो, दिस इज सेंटेंस नंबर वन, दिस इज सेंटेंस नंबर टू, लेकिन इसमें बट लगा दिया और बट से एक कंट्रास्ट बन गया सेंटेंस में, एक कंट्रास्ट बन गया कि वो तो अनेस्ट है लेकिन उसका पापा क्या है, स्ट्रिक्ट है। क्लियर? तो बट से कंट्रास्ट भी बन रहा है, सेंटेंस की इक्वलाइजेशन भी बता रहा है, प्लस में वो एक ही सेंटेंस में पूरी बात बोल रहा है और ये दो सेंटेंस अलग अलग को जोड़ रहा है। जैसे मैंने यहां पर लिखा सेंटेंस को किसके साथ जोड़ रहा है, वो सेंटेंस के साथ। तो ये क्या काम करता है, कोऑर्डिनेटिंग। तो आई होप कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन अच्छे से समझ आ गया। ये एक सेंटेंस को, एक नाउन को, एक वर्ब को, एडवर्ब को, एडजेक्टिव को और हमारे फ्रेज को आपस में क्या करता है, जोड़ता है। और ये इसके एग्जांपल है, ये सात प्रकार के हैं, दीज आर सेवन टाइप्स ओनली, दैट आर एफ ए एन बी ओ वाई एस, फैन बॉय से आप याद रखेंगे। क्लियर? इस तरह से आप इसको याद रखो। क्लियर? तो नेक्स्ट आता है हमारा सब ऑर्डिनेट। तो अब हम करते हैं सब ऑर्डिनेट। नेक्स्ट आता है हमारा सब ऑर्डिनेटिंग। ये क्या करता है, सब ऑर्डिनेटिंग हेल्प टू ज्वाइन वन इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज, राइट? इसको ध्यान रखना, वन इंडिपेंडेंट मेन क्लॉज टू अनदर डिपेंड क्लॉज फॉर इट्स फुल मीनिंग। अब ये इंडिपेंडेंट जो क्लॉज है उसके ऊपर किसके ऊपर रहता है, डिपेंड रहता है। जैसे इसको जो है ना एग्जांपल के साथ समझते हैं, जैसे एज जैक वाज नॉट एट होम। अब देखिए मैंने यहां पे लगा दिया एज जैक वाज नॉट एट होम। अब ये डिपेंड क्लॉज है, कैसे इसको समझिए ध्यान से। एज लगा दिया, एज जैक वाज नॉट एट होम, जैसे कि
जैक जो है वो घर पर नहीं था। अब देखिए ध्यान से, जैसे कि जैक जो है घर पर नहीं था, फिर क्या आगे, क्योंकि ये कंप्लीट सेंस तो हमें दे ही नहीं रहा, जैक क्योंकि घर पे नहीं था। अब मुझे कंप्लीट तो करना पड़ेगा सेंटेंस, लेकिन मैं कर नहीं पा रहा हूं, इसलिए मुझे एक जो है ना इंडिपेंडेंट क्लॉज लगाना पड़ेगा, ताकि ये जो इंडिपेंडेंट मैंने यहां से शुरू किया है, इसकी मैं कंप्लीट क्या कर दूं, फुल इसका मीनिंग दे दूं। ठीक है, एज जैक वॉज नॉट एट होम आई टॉक टू हिज फादर, आई टॉक टू हिज फादर, हिज यानी कि जैक का फादर, क्लियर। तो ये कंप्लीट सेंस दे दी यहां तक। अगर मैं सिर्फ यहां से शुरू करूं, जैक वॉज नॉट एट होम, तो ये एक कंप्लीट सेंटेंस है, इसमें किसी की भी कोई कंजंक्शन की जो है ना हेल्प की जरूरत नहीं है। लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे एज लगा दिया तो मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी, अदरवाइज मेरा जो सेंटेंस है वो क्या है, इनकम्प्लीट है, या फिर वो गलत है ग्रामेटिकली। तो ये अपने आप में ये जो डेफिनेशन है ये क्या बता रही है, कहती है कि मुझे एक इंडिपेंडेंट चाहिए क्लॉज और एक डिपेंड चाहिए। सबऑर्डिनेट जो क्लॉजेस है, सबऑर्डिनेट जो हमारे कंजंक्शन है, इसके लिए मुझे एक डिपेंड और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए। इंडिपेंडेंट क्या होता है, जो किसी पे भी निर्भर ना हो, किसी पे डिपेंड ना हो, वो इंडिपेंडेंट हो, अपने आप के ऊपर डिपेंड हो। जैसे कि ये वाला क्लॉज है, ये इंडिपेंडेंट है, क्यों, क्योंकि ये एक कंप्लीट सेंस दे रहा है, आई टॉक्ड टू हिज फादर, मैंने उसके पापा से बात की, लेकिन ये कंप्लीट सेंस हमें नहीं दे रहा, तो ये क्या है, ये डिपेंड है, किसके ऊपर, इसके ऊपर ये डिपेंड है, कैसे, ऐसे शुरू कर दिया इसने, क्लियर। तो इसलिए आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है कि जो ये इंडिपेंडेंट है, ये डिपेंड से पहले भी आ सकता है, ऐसा नहीं कि यही से आएगा। अब जैसे ये वाला सेंटेंस है, इसको हम आगे भी लेके आ सकते हैं, कैसे, आई टॉक्ड टू हिज फादर बिकॉज जैक वॉज नॉट एट होम, लेकिन इसका कंजंक्शन बदल जाएगा, बिकॉज जैक वॉज नॉट एट होम, तो बिकॉज लग गया, तो बिकॉज के बाद हमें ये पता लग रहा है कि ये एक इनकम्प्लीट सेंटेंस है, इसको कंप्लीट करने के लिए हमें आगे एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हमें देना पड़ेगा, क्लियर। एक और सेंटेंस करते हैं, ही रेन अवे बिकॉज, अब ही रेन अवे यहां तक ये इंडिपेंडेंट सेंटेंस है, कंप्लीट है, लेकिन बिकॉज लग गया, इसका मतलब हमें ये पूरा करना पड़ेगा, तो क्या करा, ही वॉज अफ्रेड, वो भाग गया क्योंकि, अब अगर मैं सिर्फ इतनी बात कर रहा हूं कि वो भाग गया क्योंकि, तो क्योंकि के बाद अगर मैं आगे कुछ नहीं बोल रहा हूं, इसका मतलब कि मैं इनकम्प्लीट सेंटेंस बोल रहा हूं, तो कंजंक्शन ये सबऑर्डिनेट क्या करता है, वहां पे उसको कंप्लीट एक सेंस देता है, जिसके उसको एक कंप्लीट और एक इनकम्प्लीट सेंटेंस की जरूरत होती है, लेकिन जैसे ही सबऑर्डिनेट कंजंक्शन वहां पे लगता है, वो सेंटेंस कंप्लीट हो जाता है सिंपली, क्लियर। जैसे सिंस यू से सो, जैसा कि अब आपने कहा आई मस्ट बिलीव इन इट, आपने कह दिया इसलिए मुझे विश्वास करना पड़ेगा। अब जैसे मैं कह रहा हूं तो आपको इसके ऊपर विश्वास करना पड़ेगा, आई से सो, सो यू हैव टू बिलीव ऑन इट, राइट। सो नेक्स्ट कहते हैं, आई शैल स्टार्ट अ बिजनेस एज सून एज, मैं एक बिजनेस शुरू करने वाला हूं एज सून एज आई गेट मनी। अब देखिए, अब एज सून एज लगने के बाद ये इनकम्प्लीट है, यहां तक ये कंप्लीट है, तो एज सून एज को आगे भी लेके आ सकते हैं, एज सून एज आई गेट मनी आई स्टार्ट अ बिजनेस, वहां पे कोमा लग जाएगा, क्लियर। आई फाउंड माई पर्स वेयर आई लेफ्ट इट, मुझे अपना पर्स वहीं पे मिला जहां पर मैंने अपना पर्स रखा था, आई लेफ्ट माई पर्स वेयर आई लेफ्ट माई पर्स एंड आई गॉट इट बैक, तो एंड के साथ उसको वो कंजंक्शन, अगर ये चीज आगे आती है तो हमारा कंजंक्शन भी उसके अकॉर्डिंगली ही चेंज हो जाएगा। दे डोंट नो विच इज योर सिटी, अब विच तक फिर इनकम्प्लीट है, दे डोंट नो का कंप्लीट है, तो वो जैसे विच लगता है इसका मतलब हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज की जरूरत पड़ेगी, तो इज विच इज योर सिटी, लेकिन इसके बाद क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा क्योंकि ये यहां से शुरू हुआ। Although it was raining, I went to school. चाहे वहां पे जो है ना बारिश हो रही थी, फिर भी मैं स्कूल गया। Although, अब although it was raining, अगर मैं यहां तक बोलता हूं although it was raining, तो ये incomplete है, क्योंकि अगर मैंने इसको अगर मैं सिर्फ इतना बोलता हूं it was raining, तो it is complete, लेकिन although लग गया, जैसे यहां पे as लगा था, clear? तो it, I went to school, ये भी कंप्लीट है और ये भी कंप्लीट है, लेकिन ऑल्दो लगने के लिए बाद इसको हमें ये वाला सेंटेंस लगाना पड़ेगा। वी ईट दैट वी लिव, हम खाते हैं इसलिए ताकि हम जिंदा रह सके। यू विल गेट सक्सेस इफ यू वर्क हार्ड, तुम्हें सक्सेस मिलेगी अगर, इफ इफ का मतलब अगर, यदि,
तुम क्या करोगे, वर्क हार्ड करोगे. इफ यू वर्क हार्ड, इफ यू वर्क हार्ड. क्लियर. अब इसके सबोर्डिनेट कितने प्रकार के हैं, आफ्टर, बिकॉज, सिंस, इफ, दैट, दो, ऑल्दो, टिल, बिफोर, अंटिल, व्हेन, वेयर, व्हेन, व्हाइल, एज सून एज, वेदर, इन केस, सो दैट. तो दीज आर द सबोर्डिनेट कंजंक्शंस विच नीड अ डिपेंड क्लॉज एंड एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. जितने भी ये सबोर्डिनेट की जगह पर यूज होंगे, हमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज सही होगा और एक डिपेंड क्लॉज सही होगा. बस यही डिफरेंस है. हमने इससे पहले जो किया था कोऑर्डिनेटिंग, उसमें हमें कुछ नहीं चाहिए था. उसमें तो हमें एक सब्जेक्ट और एक सब्जेक्ट के साथ ही दूसरा सब्जेक्ट चाहिए था, जिसके साथ हम उसको जोड़ सकें. वर्ब को वर्ब के साथ, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव के साथ, एडवर्ब को एडवर्ब के साथ, वर्ब को वर्ब के साथ. लेकिन इसमें डिपेंड क्लॉज चाहिए और इंडिपेंडेंट क्लॉज चाहिए. आई होप आपको ये समझ आ गया, तभी हम नेक्स्ट मूव करेंगे. और अगर समझ नहीं आ रहा तो आप इसको रिवाइज करके दोबारा देख लीजिएगा, क्योंकि कई बार हमें छोटी सी चीज हमें पूरा मीनिंग समझा देती है. क्लियर. और साथ साथ मैं आपको ये रिक्वेस्ट भी करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए. इसमें मैंने पहले भी बहुत सारी क्लासेस ले रखी हैं, जो मैंने बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया उस क्लासेस को. जो बच्चे बिल्कुल वीक हैं उनको बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया, अल्फाबेट से मैंने ये क्लासेस शुरू की हैं. अल्फाबेट क्या होता है, लेटर क्या होता है, ग्रामर होती क्या है, लैंग्वेज क्या होती है, मैंने वहां से बिल्कुल जीरो से स्टार्ट किया. और यहां हम आज पार्ट्स ऑफ स्पीच की 7th क्लास ले रहे हैं. तो आई सजेस्ट आल्सो कि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप चलने के लिए यू नीड टू वॉच माय प्रीवियस वीडियोस, राइट. तो लेट्स कम बैक टू द पॉइंट. हमारा कोऑर्डिनेटिंग हो गया, सबऑर्डिनेटिंग हो गया. नेक्स्ट हम करते हैं कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन. Coordinating conjunction joins word, phrases, clauses that are equally important and always come in pair. इनका मेन ये रहेगा कि ये हमें pairs में ही मिलेंगे. जैसे हमने first one किया था coordinating, ये उसी की तरह है. इसमें depend और independent जैसा कुछ नहीं है, जैसा हमने subordinate में किया था. इसमें सिर्फ क्या है, इसमें वैसे ही जैसे हमने coordinate में किया था, subject के साथ subject, noun के साथ noun, adjective के साथ adjective, verb के साथ verb, हमारा सेंटेंस के साथ सेंटेंस, ये वैसे ही एक दूसरे को रिलेट करेगा. क्लियर. इसमें क्या है, जैसे मैंने यहां पे लिखा कम्स इन पेयर, ये सिंगल कभी नहीं आता. कोऑर्डिनेटिंग जो है, जैसे हमने ये किया था, ये सिंगल आता था और वैसे ही एक दूसरे को मिलाता था. लेकिन ये किस में आता है, पेयर्स में आता है. ए दोनों की सिमिलैरिटी यही है. क्लियर. सबऑर्डिनेट जो है, इसमें डिपेंड और इंडिपेंडेंट जैसा जो क्लॉज हमें चाहिए होते थे, इसमें इन दोनों में, इन इसमें और इसमें नहीं चाहिए. इसको एग्जांपल के साथ करते हैं. जैसे इधर राम और श्याम विल ज्वाइन द पार्टी, यानी कि इधर यानी कि दोनों में से एक. जहां हम इधर लगाएंगे वहां हमें और भी लगाना पड़ेगा, इधर सिंगल नहीं आएगा. इधर राम और श्याम विल ज्वाइन द पार्टी, यानी कि दोनों में से एक, यानी कि चॉइस हमें मिल रही है. नीदर राम नोर श्याम, ना ही तो राम और ना ही श्याम, यानी कि दोनों में से कोई नहीं. इस सेंटेंस में क्या रहा है, दोनों में से एक. और नीदर नोर में क्या रहा है, दोनों में से कोई भी नहीं, दोनों में से कोई भी पार्टी ज्वाइन नहीं करेगा. और ये पेयर में आ रहा है, देखिए एक दो एक दो, तो ये हमेशा पेयर में ही आएंगे, इसको ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है, ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट. वो सिर्फ इंटेलिजेंट ही नहीं है बल्कि ऑनेस्ट भी है. देखिए पेयर हो गया और साथ में ये क्या कर रहा है, जैसे इसमें ये सब्जेक्ट को सब्जेक्ट के साथ, या कह लो कि नाउन को नाउन के साथ क्या कर रहा था, जोड़ रहा था. उस तरह ही इज नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट. अब ये क्या कर रहा है, यहां पर हमें इसका एडजेक्टिव बता रहा है. इंटेलिजेंट एडजेक्टिव, ऑनेस्ट एडजेक्टिव, राइट. वो उसका क्या बता रहा है, इसका साथ साथ ही देखो, नॉट ओनली इंटेलिजेंट बट ऑल्सो ऑनेस्ट. तो ये आता भी पेयर में है और सेम कंपैरिजन या कॉन्ट्रास्ट इसको करेगा. यही को रिलेटिव का कंजंक्शन का काम है. नेक्स्ट है, राम कैन बोथ रीड एंड राइट. अब देखो रीड क्या है, वर्ब है. राइट क्या है, वर्ब है. तो इसमें दोनों चीजें, बोथ जहां लगेगा वहां एंड भी लगेगा, पेयर में आ गया. तो राम बोथ कैन रीड एंड राइट, राम दोनों काम कर सकता है, लिख भी सकता है और पढ़ भी सकता है. देन ही इज टू वीक टू वॉक. अब ये टू और ये टू, वी टू वॉक. अब वी क्या है, वर्ब है. वॉक क्या है, वर्ब है. अगेन वर्ब के साथ वर्ब का कंट्रास्ट हमें कैसे कह रहा है कि जो है वो इतना ज्यादा वीक है, कमजोर है कि वो चल भी नहीं सकता. अब ये नेगेटिव सेंटेंस है, ये वाला जो सेंटेंस है ये क्या है, नेगेटिव है. लेकिन
इसमें नॉट नहीं लगा हुआ, जब यहां पे टू और टू आ जाता है तो वो ऑटोमेटिकली ही क्या बन जाता है, हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन जाता है। वो इतना ज्यादा वीक है कि वो चल भी नहीं सकता। ही इज टू वीक टू वॉक, वो इतना ज्यादा वीक है कि वो चल भी नहीं सकता। इट इज टू रेनी टू गो आउटसाइड, बाहर इतनी बरसात है कि बाहर हम जा नहीं सकते। इस तरह से No sooner had I reached the station than the train departed. जैसे ही मैं स्टेशन पहुंचा, ट्रेन क्या हो चुकी थी, निकल चुकी थी। No sooner भी हमारा बहुत ही बढ़िया एक कंजक्शन है। The problem is not so difficult as you think. प्रॉब्लम इतनी बड़ी भी नहीं थी जितनी आपने सोच ली। तो ये क्या है, ये सारे इसको ध्यान रखना आप, इधर और, neither nor, not only but also, no sooner than हो गया, then too हो गया, दो yet. He is honest. Though he is honest, चाहे वो ईमानदार है, yet he is weak. तब भी वो क्या है? कमजोर है। तो ये भी contrast करता है। Whether or whether. I'll give you a pen. Whether you would like to have a pen or you give me your copy. या तो तुम अपनी pen ले लो या अपनी copy मुझे दे दो। ये भी हमें क्या करता है? Choice देता है। So as यहाँ पे हो गया है, such that. He is such a person that everyone can meet him. He is such a person. वो ऐसा आदमी है that everyone can meet him freely. वो एक ऐसा आदमी है कि कोई भी उसे जाके मिल सकता है। क्लियर? Both and हमारा यहाँ पे हो गया। He is both read. He can both read and write. तो ये हमारे correlative conjunctions हैं। हमारे तीनों जो है ना conjunction complete हो गए हैं। कोऑर्डिनेटिव कंजंक्शन, सबऑर्डिनेटिव और कोरिलेटिव। देखिए जो ये हमारे ये वाले हैं, इन दोनों में सिमिलैरिटी है, इन दोनों में सिमिलैरिटी है। ये जो है पेयर में आता है, ये पेयर में नहीं आता। ये काउंटिंग में कितने हैं? सात हैं। फैन बॉय से आप इसको याद रखेंगे, फॉर एंड नॉर बट और हमारा वाय से येट और ऐसे हमारा रहेगा सो। तो इस तरह से आपने याद रखना है। सबऑर्डिनेट में हमारे डिपेंड और इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेंगे, देन कोरिलेटिव में हमारे कंट्रास्ट रहेंगे सब्जेक्ट का सब्जेक्ट के साथ, जैसे कि हमने इसके साथ किया था, वर्ब का वर्ब के साथ, एडजेक्टिव का एडजेक्टिव के साथ, सबका एक दूसरे के साथ सेम इक्वली इंपॉर्टेंट जो रहेगा वो कॉन्ट्रास्ट रहेगा। लेकिन ये किस में आएंगे? पेयर्स में आएंगे। दैट्स ऑल अबाउट कंजंक्शन। मुझे लगता नहीं कि इसके बाहर भी कुछ और कंजंक्शन में आ सकता है। इसमें थोड़ी सी और वैरायटीज रहती हैं, वो मैं चाहूंगा कि मैं थोड़ा सा कंट्रास्ट के साथ करवाऊं, वो मैं नेक्स्ट एक स्पेशल क्लास लूंगा। जैसे कि विच और वेयर आता है हमारे इसमें, विच वेयर, लेकिन वो हमारे प्रोनाउंस में भी आता है ना, तो उसमें क्या कंट्रास्ट रहता है, डिफरेंस क्या होता है इन दोनों में, होता तो सेम ही यूज है, तो वो भी एक अलग से क्लास लूंगा। लेकिन वो थोड़ा डीपली हो जाता है, दैट इज फॉर क्लास 11th एंड 12th। आई विल डेफिनेटली टेक अ सेपरेट क्लास फॉर दैट। सो आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। सो अगर आपने क्लास में कुछ सीखा है तो प्लीज जो है ना वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम करने वाले हैं इंट्रोजेक्शन, जो कि हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का आखिरी पार्ट है। उसके बाद हम नेक्स्ट ग्रामर का टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सो थैंक्स फॉर टाइम, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।